कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए देश में लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। हर किसी को उम्मीद है कि 14 अप्रैल के बाद से देश में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उससे इसके खुलने की उम्मीद थोड़ी कम ही नजर आ रही है। सरकार भी इसी प्रयास में है कि जब भी लॉकडाउन खुले उस वक्त स्थिति और न बिगड़े। सरकार की ओर से लॉकडाउन खोलने को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें शहरों को उसके कोरोना के स्टेज को देखते हुए सुविधाओं में ढील दी जाएगी। इसके मुताबिक कुछ शर्तों के साथ जिलों के अंदर आवाजाही की इजाज़त दी जाएगी। एक सप्ताह के अंदर अगर हालात सामान्य होते हैं तो कुछ राज्यों के लिए विमान सेवाओं को भी खोला जा सकता है। अभी तक की खबर के मुताबिक अगर लॉकडाउन के बाद रेल सेवाओं को शुरू किया गया तो काफ़ी सतर्कता बरती जाएगी। ट्रेन में मिडिल बर्थ को बुक नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ट्रेन उन शहरों में भी नहीं रोकी जाएगी जहाँ एक भी केस होगा। ज़्यादातर शहरों में स्कूल, कॉलेजों, पार्क, सिनेमाघरों और निजी प्रतिष्ठानों को बंद रहने दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक रूप में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर योजनाओं पर काम करना भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अब समय आ गया है कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें और दूसरे देशों की निर्भरता को कम करें। लॉकडाउन खुलने के बाद जब परिवहन सेवाओं को खोला जाएगा तो सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। रेल, बस और विमान में सफर करने वाले यात्रियों को सरकार की सभी गाइडलाइन का प्रयोग करना होगा। खबर है कि ट्रेन में अगले कुछ महीनों तक मिडिल बर्थ नहीं होगी। TTE इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच करेगा। ट्रेन में यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर पाउच देने का भी सुझाव है। विमान से सफर करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास के अलग लाइन का इस्तेमाल करना होगा। यात्रियों को एयरपोर्ट में ज्यादा देर तक रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिब्रान जरार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesi.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।